हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ मेरा काम हो गया था और दोपहर का ही वक्त है, मैं जा रही हूँ आज घूमने। आप लोग भी चलना। मैं कहाँ जा रही हूँ? आप लोगों को लेके चलूँगी, तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ। और निकल नहीं पाई थी, 1:30 बज गया था, क्योंकि घर में काम इतने होते हैं, तो इसलिए मेरे हस्बैंड तो बोले शाम को चलना, पर मैं बोली कि आते आते शाम ही हो जाएगी, और वो ड्यूटी भी जाते हैं तो आके खाना भी बनाना होता है इसलिए। और मैं जा रही हूँ साड़ी लेने, आप लोग चलिए मेरे साथ। और मैं आ गई थी यहाँ दुकान में साड़ी की, और काफी बड़ी दुकान है और काफी भीड़ हो रही थी, यहाँ थोड़ा खाली था। और यहाँ मैं देख रही हूँ साड़ी, और मुझे ज्यादा नहीं चाहिए थी कड़ी, और ज्यादा हैवी नहीं चाहिए थी, मुझे सिंपल सादा चाहिए थी, क्योंकि वो कहीं भी पहन के जा सकती हैं, और मेरे पास हैवी भी हैं तो रोज में नहीं पहनी जाती हैं ये। और सफर में जाओ या कहीं भी जाओ, सिंपल अच्छी लगती है साड़ी, तो मैं सिल्क की लूँगी। कॉटन की भी देखी थी पर ज़्यादा अच्छी मुझे नहीं लगी, और सिल्क की ये दिखा रहे थे ऐसी, मैं बोली प्लेन दिखाओ मुझे, और ये भी कलर ठीक लग रहा था पर मुझे अच्छी नहीं लगी, पसंद नहीं आई। और इसमें से भी दिखा रहे थे भैया दुकान पे, और मैं अभी तो नहीं बताऊंगी मैंने कौन ली, और लास्ट तक बने रहना आप लोग, देखना मैं लेके आई हूँ कौन सी। चलिए दोस्तों, मैं आ गई हूँ साड़ी लेके, और आपको दिखाऊंगी कि कैसी मैं लेके आई हूँ साड़ी, तो आप लोग बने रहना और बताना मेरी साड़ी कैसी लगी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। और ये सिल्क की है, प्लेन है पूरी, और बॉर्डर ये है इसका। क्योंकि ज्यादा हैवी मुझे नहीं लेनी, मुझे सिंपल सादा अच्छी लगती है, और आप लोग बताना कैसी लगी है। और इसका ये है पल्लू, और इसका प्राइस बता तो 1800 रहा था, लेकिन मैं सोची और दुकानों पे देख लूँ, पर उसने फिर सही लगाई तो मैंने ले ली, 1600 में लगाई। वैसे बड़ी बड़ी दुकानों पे कम नहीं करते हैं रेट, और सही मिली, और ऐसी ही मिलती हैं ऐसी साड़ियाँ। भला है इसका, और आप लोग बताना कमेंट करके कैसी। और पल्लू ये है इसका, और ब्लाउज है ये, और आप लोग बताना कैसी लगी ये। तैयार कर लूंगी फिर उसके बाद पहनूंगी तो अच्छी लगेगी। अभी तो पीला कुर्ता भी पहने हुए हूँ, और पीली साड़ी भी है, पीली नहीं है, गोल्डन कलर है। कैसी लगी कमेंट करके मेरी साड़ी, तैयार कर लूंगी फिर मैं पहनूंगी, जब दिखाऊंगी। और घर में ही तैयार करूंगी इसका ब्लाउज, पीको के लिए
मैंने डाल दी थी आज ही, क्योंकि टाइम भी नहीं है। और अस्तर लेके आई थी और फॉल लेके आई थी, घर में लगाऊंगी और ब्लाउज सिलूंगी इसका और फिर दिखाऊंगी आपको। और ये शाम का टाइम है, शाम तो हो ही गई थी, चाय बनने रख दी। और मैं बनाऊंगी आज मोटी मिर्ची भर के बनाऊंगी आज। मैंने ये धुल ली थी मिर्चा और प्याज, लहसुन काट लिया था और अचार वाली मिर्ची है रखी थी, रेड भी होगी। मैंने सोचा कि भर के बना लूँ, सब्जी रखी थी 2 बजे बनाई थी दोपहर में, वो रखी थी और मिर्ची बनाऊंगी। इसमें सौंफ जीरा डाला और हल्दी प्याज लहसुन, और भर के जो चीज़ बनाती हूँ तो मैं सौंफ ज़रूर डालती हूँ। और ये मिक्स मसाला है ये डाला, और धनिया पाउडर डाला था और नमक डाला था। नमक तो सभी डालेंगे, बिना नमक के तो स्वाद है ही नहीं। और अमचूर मसाला डालना भूल गई थी, तब याद आई बाद में मुझे, पीस ली उसके बाद। भर के बनाओ तो अमचूर खट्टापन के लिए डालो तो अच्छी बनती है और स्वाद भी लगती है। और मसाला पीस गया था मेरा, करती है काफ़ी बड़ा हो जाता है इसलिए। और मिर्ची में जीरा लगा लूँगी और भरूँगी मिर्ची। फास्ट कर दिया था तो काफ़ी बड़ा हो गया था वीडियो इसलिए। कल तो काफ़ी काम, ब्लाउज भी सिलना है और घर के भी काम है। और ये अमचूर डाला था मैंने ऊपर से, और मिक्स करूँगी मसाले को। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छी बनती है। और काफ़ी लोग तो बनाते भी हैं भर के, और खूब ज़्यादा मैंने भरा था मसाला। क्या मतलब थोड़ा कम सा लगता है, वैसे तो काफ़ी था, सारी मिर्चियों में आ गया था मसाला। और एक साइड मेरी चाय बन रही है, और इधर बन गई चाय। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे चाय दो आके, उनको चाय दे दी, बाद में मैं पीऊंगी। और तेल गरम हो गया था और सब मसाला तो मिर्ची में था ही, और तेल में डाल दी। और भर की चीज़ बनाते हैं तो स्वाद भी लगती है, और एक बार ज़रूर ट्राई करना आप लोग। और 2-3 मिनट के बाद मैंने चला दी थी, धीमी कर दी थी गैस, जल ना जाए। पानी बिल्कुल नहीं डाला था, तेल में ही, तेल कम लग रहा था, कैमरे में लगता है ये। और भर के चीज़ बनाओ तेल तो तेल अच्छे से डालो, सही अच्छी लगती है, स्वाद भी बनती है। और यहाँ मैं पी रही थी चाय, और कैमरा मेरी बेटी गुस्से में पकड़े थी तो कैमरा कितना हिला रही, मेरे पास नहीं लिया। और धीमी कर दी थी गैस, चाय पीने चली गई थी मैं। अब तेल दिख रहा होगा आप लोगों को, बड़े तेल है, पानी बिल्कुल नहीं डाला था, बन के हो गए तैयार। और जैसी कैमरे में आज, तो कैमरे में जो रियल थी वही दिख रही है, कभी कभार कैमरा भी पता नहीं क्या कर देता है, साफ नहीं दिखता। और बहुत अच्छी बनी थी, स्वाद भी लगी थी, खाने में भी, पराठे पूरी और रोटी किसी के भी साथ खाओ। और अब बना लूँगी रोटियाँ मैं। दोस्तों मेरी सब्जी तो बन गई, मैंने आप लोगों को दिखाई थी, अब बना रही हूँ मैं रोटियाँ। और आप लोग भी आ जाइए, गर्मा गर्म खा लीजिए। तो चलिए बाय बाय, फिर मिलूँगी अभी थोड़ी देर में, रोटियाँ सेक लेती हूँ। बच्चों ने खा लिया था, मैं अपने लिए थाली लगा रही हूँ। और ये मिर्ची रख लूँगी, कड़वी बिल्कुल नहीं थी, बच्चों ने भी खा ली। और ये थे लस्सी के आलू, दोपहर में मैंने बनाए थे। और ये रोटियाँ, आप लोग भी आ जाइए। और सलाद, खाना ना खाने के बाद बर्तन धुले मैंने, गैस साफ की, किचन साफ की, क्योंकि रात के ही करके मैं सोती हूँ तो सुबह आसानी भी रहती है।
और सुबह भी गैस ऐस पे मैं कपड़ा गीला करके मान लेती हूँ, रात के सुबह भी वैसे पूरी किचन साफ कर लूँ तो सही रहता है। फास्ट कर दिया था मैंने क्योंकि बड़ा हो जाता है वीडियो, इसलिए ये खाएगा उछल उछल के मुंह में, तो देखते रहिएगा आप लोग। पहला गया, दूसरा भी गया, और ये थर्ड, अरे वाह, और ये फोर्थ, और ये फाइव, टोटल 5,000। लगातार 5 पे जाना चाहिए, मेरे को नहीं पता लगातार क्यों नहीं जा रहे आज, पता नहीं लगातार क्या करवाओ, मैं नहीं जानता। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का एंड करने का वक्त आ गया है और चने के साथ वीडियो का एंड करेंगे। और ये बच्चे चने खा रहे हैं और आ जा वीडियो का एंड करते हैं। तो चलिए दोस्तों, कल मिलूँगी एक अच्छे से एक नए से वीडियो के साथ, और तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, और मुझे कमेंट करके बताना मेरी साड़ी कैसी लगी। तो फिर मिलूंगी एक अच्छे से एक नए से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।